गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मिस स्निग्धा, आपकी हिंदी की टीचर, आज अपना अगला चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे मोहन, कछुआ, घड़ी, ताजमहल, नटखट बच्चा। संज्ञा के भेद। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी, भगवद गीता, मुंबई। जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी समूह या जाति का भी के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक कहते हैं, जैसे लड़का, सैनिक, गाय। भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सत्य, न्याय, मित्रता, मिठास। इन्हें स्पर्श नहीं कर सकते और ना ही देख सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से समुदाय, समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कक्षा, सभा, भीड़, सेना। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पानी, सोना, लोहा। अब पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें।